हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर एवर। मैं हूँ शर्मीली और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये साड़ी ट्यूटोरियल। एंड ये साड़ी आप किसी भी हैवी ओकेशन के लिए, ब्राइडल फंक्शन हो या फिर किसी भी ओकेशन हो, उस पर पहन सकते हैं। एंड ये पहनना बहुत ही ईजी है एंड विदाउट एनी हेल्प, लाइक किसी के हेल्प के बिना आप ये पहन सकते हो अकेले। सो इफ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने ये साड़ी कैसे पहनी है तो कीप ऑन वॉचिंग। बट येस बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड या गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं बेसिक जो टक होता है फ्रंट से लेके पूरा घुमा के बेसिक टक करने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं जो पल्ला है, साड़ी का जो पल्ला है, उसे लेके जिसे नॉर्मल प्लीट्स करते हैं हम लोग साड़ी में, वैसे प्लीट्स करने वाली हूँ। एंड थोड़ा सा बड़ा प्लीट्स में रखने वाली हूँ। ये ब्राइड्स पहन सकते हैं रिसेप्शन पे या फिर शादी पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसा वाला जो साड़ी है, क्योंकि इसमें जो पल्ला जो है बेसिकली शो करते हैं सामने से। एंड क्योंकि ब्राइड्स का पल्ला बहुत ही अच्छा वॉक किया हुआ रहता है, हैवी वॉक रहता है, तो इसलिए ये वाला जो लुक है साड़ी का ये बहुत अच्छा लगता है ब्राइड्स पे। तो मैं यहाँ पे प्लीट्स को जो है लंबा रखने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं हाथों से जो प्लीट्स का जो सामने वाला पार्ट है उसे इवन करके प्रेस कर लूँगी ताकि वो जगह से हिले ना। एंड यू कैन सी कि मैं कितना लंबा रख रही हूँ ये वाला जो पीछे वाला पल्ला है, ताकि वो मैं पीछे से घुमा के अपने चेस्ट के ऊपर रख के सेफ्टी सिक्योर कर सकूँ। तो मैं उसके बाद जो अपने जो कंधे का जो साड़ी है उसे पिन कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो मैं प्लीट्स है उसे नॉर्मल बनाऊँगी जैसे बनाते हैं, एंड थोड़ा सा बड़ा रखूँगी देन यूजुअल। उसके बाद मैं इसे भी सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि जगह से हिले ना। एंड उसके बाद मैं प्लेट्स को टक कर लूँगी एकदम मिडिल पे, लाइक एकदम नावल के नीचे बीचों बीच हमको टक करना है इसे। एंड उसके बाद जो सामने वाला जो प्लीट्स रहेगा उसे हाथ के हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसके जो साइड वाला पार्ट है उसे साइड पे हमको टक कर लेना है, या फिर आप चाहे तो सेफ्टी पिन सिक्योर कर सकते हैं। एंड जब उसके बाद जो ये पीछे वाला पल्ला होगा उसका सेफ्टी पिन हमने खोल दिया है, एंड वो लेके जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, एकदम वैसे ही फोल्ड करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा साड़ी का पल्ला होता है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो पल्ले का जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है मैं उसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, ताकि वो हमें जो जहाँ पे हम सिक्योर करने वाले टक करने वाले वह ईजी हो टक करना। तो इसलिए मैं उसे वी शेप दे के, एकदम कॉर्नर शेप दे के, कॉर्नर को पकड़ के मेरा जो फ्रंट का जो पल्ला है उससे लेके उसके एकदम फर्स्ट प्लीट के अंदर मैं उसे सिक्योर कर लूँगी सेफ्टी पिन से। किसी भी बनारसी सिल्क या फिर नॉर्मल सिल्क पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये जो साड़ी लुक है। एंड सिक्योर कर दिया वो जो साइड वाला जो पार्ट है, उसके बाद हाथों के हेल्प से जो एक्स्ट्रा जो लगे आप वो ठीक कर ले, या फिर जो सेफ्टी पिन लग सकते हैं तो आप उसको भी लगा लीजिए भी। एंड दैट्स इट गाइस, इट्स सो ईजी टू डू। मैंने इसे आई गेस विद इन 6 to 7 minutes में कंप्लीट कर लिया था अकेले ही, किसी के हेल्प के बिना। एंड ये बहुत आसानी से हो भी जाता है, दिखने में बहुत खूबसूरत एंड गॉर्जियस लगता है। तो आप इसे किसी भी ओकेशन पे पहन सकते हो। एंड ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये लुक कैसा लगा, ये वाला साड़ी ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड आपको और भी साड़ी ट्यूटोरियल देखना है तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।